आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सच्चा क्या है? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो एग्जाम में मिलने वाला है या कहीं पढ़ाई में सीखने वाले हो। आंसर है हमारा शरीर। हमारा शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर शरीर ही नहीं होगा तो हम लोग काम कहां से करेंगे या फिर एंजॉय कैसे करेंगे? और यही वो चीज है जो दुनिया की सबसे सच्ची भी है, क्योंकि आपका शरीर आपके साथ मरते दम तक रहेगा, कोई रहे या ना रहे। इसीलिए हम इस शरीर को अच्छा करने के लिए अक्सर लोग सलाह देते हैं कि भाई एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, क्योंकि आज की एक्टिविटीज बहुत स्लो हो गई हैं। आज हम लोग बहुत ऐसे कामों में उलझ गए हैं कि हमने भागा दौड़ना भूल ही गए। इसके अलावा हमारी डाइट, कि हम खाते क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा वो खाना चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स, कोफैक्टर्स, विटामिन्स हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा शरीर एक मशीन है। उस मशीन को चलाए रखने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, उन एंजाइम्स में कोफैक्टर चाहिए होते हैं, और ये कोफैक्टर्स मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, ये फल और फ्रूट्स में तो मिलते हैं। अगर हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, तो ये हमारे लिए सबसे हेल्थी होते हैं। नो डाउट हमें वर्कआउट भी करना जरूरी है। इस शरीर को चलाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है हार्ट। हार्ट जब धड़कता है तो ये ब्लड पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को सप्लाई मिल रही है लगातार न्यूट्रिशंस की, जो भी हमने खा करके एब्जॉर्ब किया था, और ऑक्सीजन की, ताकि हर सेल अपना काम कर सके। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ चीज़ें खाने की, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं सब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हार्मफुल, बट एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से एक है। इसके बिना आप लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल निकाल लिया जाए सारा, तो सही मायने में तो आपकी सेल वेल सब बिखर जाएंगे। विटामिन डी, लिपिड ड्राफ्ट, न जाने कितने तरह के और हॉर्मोन्स, ये सब के सब कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में हो। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आराम से डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स के रूप में काम करते हैं, जिसमें एप्पल लाइप प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। कई बार कुछ डिफेक्ट की वजह से ये बजाय लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के आर्टरीज में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगर ये एक मात्रा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू आती हैं, और ये वो आर्टरीज हैं जो आपके हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देती है ताकि मसल्स काम करते रहें। अगर ये ब्लॉक हो गई तो फिर हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो काम करना बंद कर देंगे। हार्ट फेल हो गया काम करने के लिए और तब नुकसान हो गया। इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही यूज करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से हमें बचाएं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से खास तौर से। एक दवाई है स्टैटिन। इस दवाई का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करने के लिए किया जाता है, और ये लो करता है कोलेस्ट्रॉल को उसकी बायो सिंथेसिस को इनहिबिट करके, कि कम से कम बॉडी के अंदर तो ना बने। बाहर से खाने में जो आ रहा है लेकिन आपकी बॉडी भी तो एक्स्ट्रा ना बनाए। स्टैटिन आमतौर पर HMG कोएंजाइम ए से मेलानोनेट बनने वाली पाथवे को ब्लॉक करते हैं, और इसलिए कोलेस्ट्रॉल की बनने की कहानी रुक जाती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। स्टैटिन इनहिबिट करेगा बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हालांकि यहां पर कुछ मॉलिक्यूल आपको दिख रहे होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिंस, लिकोट्राइन, सीरोटोनिन, और जब हम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं हॉर्मोन्स, विटामिन डी, प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह। ये भी लिपिड से बने हुए होते हैं लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आमतौर पर वो दर्द वाली कहानियों में होती है जब हम लोग उनकी बात करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि किताबें पढ़ करके हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। हर किताब हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपकी पूरी पढ़ाई इन किताबों पर टिकी हुई है, आपके पास सोर्स के रूप में केवल किताब है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई पढ़ाने वाला है। अब एग्जाम से कुछ दिन पहले इनमें से एक किताब को चोरी करके ले जाए, तो फिर कैसा फील करोगे? दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन देने वाली किताब नहीं होगी। हर किताब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। किताबों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी का इस्तेमाल करके हम कुछ गुल खिलाते हैं। आज के ज़माने में तो इंटरनेट हमारा बुक है, हम मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हमारी सेल,
अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के पास 24 तरह की किताबें हैं टोटल। इन 24 में से 22 तरह की किताबें तो हैं ऑटोसोम्स और 23वीं और 24वीं किताब का नाम है एक्स और वाई। इन टोटल 24 बुक्स के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन है जिससे लाइफ चलती है। वुमेन्स को तो केवल 22 किताबें ऑटोसोम वाली और एक एक्स वाली किताब का होना जरूरी है, और मेल्स के लिए 24 की 24 बुक चाहिए डेवलप करने के लिए। अगर कभी इनमें से कोई किताब की एक कॉपी भी मिस हो जाए, हमारे पास हर किताब की दो कॉपियां हैं, डिप्लॉयड है ना हम लोग, अगर एक कॉपी भी मिस हो जाए या एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाए तब हमें दिक्कतें होती हैं कई तरह की। इनमें कुछ दिक्कतें तो ऐसी होती हैं कि उन्हें हम झेल लेते हैं, मतलब झेल लेते हैं सेंस में कि बॉडी डेवलप हो जाएगी, बर्थ होगा लेकिन डिफेक्ट के साथ होगा। जैसे अगर 13 क्रोमोसोम, 18 क्रोमोसोम या 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए एक एक, जिन्हें हम लोग पटायू, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे लेकिन पैदा होने के बाद बच्चों में जो डिफेक्ट्स होंगे वो बहुत बुरे होंगे, लाइफ भी बहुत लंबी नहीं होती। अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम हो जाए तो उनके लिए भी बीमारियां हैं हमारे पास। लेकिन जब हम कमी की बात करते हैं तो कमी में हमें बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी, केवल एक XO केस ऐसा है टर्नर सिंड्रोम का, जहां पर एक क्रोमोसोम कम है और फिर भी बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है। इंडीड क्रोमोसोम की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाले हैं 21 वाले 13 वाले, इनके तो हमने लाइव बर्थ देखे हैं। कमी के मामले में अगर एक सिंगल एक्स है तो बच्चा सर्वाइव कर जाएगा लेकिन बाद में चल के दिक्कत आएंगी, लेकिन अगर वाई है और एक्स एक भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। कम से कम एक एक्स तो जरूर चाहिए, और इसलिए 45Y वाला केस ऐसा है जो कि सरवाइव नहीं कर सकता, लाइव बर्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर जिनके नाम यहां दिए हुए हैं हमें याद रहने चाहिए, एग्जाम्स में काम आते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कई बार देख करके बात कर लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन में कितने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगर एक सेल में 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टेलोफेज, देखिए एक पेयर का मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की दो कॉपियां, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2 ये अवेलेबल है और हम बात कर रहे हैं माइटोटिस टेलोफेज हो चुका है उसके बाद, तो हर क्रोमोसोम एक ही क्रोमेटिड है। फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर यहां मेरे पास टोटल मिलाकर के 21 पेयर थे, अगर ये पेयर की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि टोटल यहां 42 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये एक पेयर है और यहां मुझे दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं मेटाफेस में क्या होगा, भाई अगर ये दो क्रोमोसोम की बात करता हूं तो मेटाफेस में मुझे ये दोनों क्रोमोसोम असल में दो दो क्रोमेटिड वाले दिखाई देते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होती है, बाद में यही क्रोमेटिड तो सेग्रीगेट करती है मेटाफेस में ताकि दोनों सेल्स के पास एक ही क्रोमेटिड पहुंच सके। तो अगर मेरे पास फिलहाल 42 क्रोमोसोम्स हैं तो यहां 42 क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड होंगी 84। आंसर नंबर सी, माइटोसिस मियोसिस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, बशर्ते कि हमने ड्रॉ करके देखते भी रहे। क्वेश्चन में 14 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय माल्डीटॉफ, जेल फिल्ट्रेशन और एसडीएस बेस, ये तीनों टेक्निक ऐसी हैं जो मॉलिक्यूलर वेट और साइज पर काम करती है। माल्डीटॉफ में हम वजन नाप सकते हैं प्रोटीन का, जेल फिल्ट्रेशन और एसडीएस बेस में हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और साइज, जहां एसडीएस बेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जेल बीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेड पेज एक तरह का ऐसा मान लो जैसे आपने एक जेल फिल्ट्रेशन की बीड की कहानी को देख रखा हो और वो भी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में। क्रोमेटो फोकसिंग ये अलग है, यहां पर कॉलम के अंदर पीएच ग्रेडियंट बना जाते हैं और मॉलिक्यूल्स को सेग्रीगेट करेंगे उनके पीआई के बेस पर, उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का आमतौर पर साइज से कोरिलेशन नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जहां हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात नहीं कर सकते, हम केवल चार्ज की बात कर सकते हैं किस पीएच पर क्या चार्ज होगा। अब आती है बात टॉलरेंस की। टॉलरेंस का मतलब अलग अलग परिवेश में अलग अलग है, लेकिन जब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की तो इम्यूनोलॉजी में टॉलरेंस का मतलब है कि जब इम्यून सिस्टम किसी चीज के साथ कंपनसेट कर ले, टॉलरेट कर ले और भड़के ना। देखिए टी सेल पहचान लेती हैं एमएससी को, अगर ये हमारे खुद के एमएससी हैं तो उस पर लगे हुए एंटीजन को पहचानती हैं, फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी कारण से किसी दूसरे बॉडी का टिश्यू किसी बॉडी में डाला
और हर सेल के पास एमएससी होता है, और टी सेल्स ने दूसरी बॉडी के एमएससी को पहचान करके टिश्यू को उड़ाना शुरू कर दिया, जिसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट प्रोजेक्शन, तब दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में भी तो एमएससी है ना हर सेल के ऊपर, उसके अगेंस्ट पहचान के सेल को नहीं मारा जाता, ये टॉलरेंस कहलाती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि आपके इम्यून सिस्टम ने आप ही पे हमला करना शुरू कर दिया। कंप्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब है कंप्लीमेंट बाइंड करके और एक्टिवेट करना शुरू कर गए। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब है कि डिफरेंट एंटीजन्स को पहचान करके आपकी बी सेल्स एक एक्टिवेट हुई और उसकी क्लोन तैयार हो गए जो इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे। CSIR नेट जीआरएफ 2019 कितने दिन बचे हैं अब एग्जाम के अंदर, अब तैयारी के लिए ये टाइम काफ़ी है या फिर ये कम है? बहुत लोग हैं जो इस बात पे डिस्कशन करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिस्कशन के बजाय करने पे यकीन करते हैं। भाई गेम ऑफ थ्रोन की तो एक लाइन याद होगी ना, गेम ऑफ थ्रोन में केवल दो बातें होती हैं, या तो तुम जीतते हो या तुम मारे जाते हो। हाँ, एग्जाम्स परेशान करते हैं हमें, दुखी भी करते हैं, रिजल्ट खास तौर से अगर वो ना आए जो हम चाहते हैं, बट यहाँ पे डेथ का तो इशू नहीं होता, मरता तो है कुछ लेकिन वो टाइम है। 6 महीने खराब हो जाते हैं, 1 साल खराब हो जाता है, सिर्फ हमारे आलस या फिर हमारी कम तैयारी की वजह से। हर एग्जाम एक बड़े हर्डल की तरह है, लेकिन फिर जब एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम कम बचा होता है, तब बहुत लोगों के लिए ये टाइम भी काफी है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब तो 2 महीने रह गए हैं, अब क्या करेंगे, अब कुछ पॉसिबल नहीं है, और वो घुटने टिकाए थे। याद रखिएगा कि जीतते वही हैं जो ट्राई करते हैं, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते, जो बहाने बनाते हैं वो बनाते ही रह जाते हैं। आई फ्लाई भी उन लोगों के लिए जो लेट हो चुके हैं एक क्रैश कोर्स लेके आया है। ये क्रैश कोर्स अपने आप में काफी सॉलिड तरीका है इस एग्जाम को कम टाइम में तैयारी करने का। हाँ, इस कोर्स में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ कर डालें, सारा सिलेबस पूरा कर लें, जो पढ़ाई हम 2 साल में करते हैं उतनी पढ़ाई हम लोग 2 महीने में कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं ना जो एग्जाम में बड़े सॉलिड हैं, और उस टॉपिक में भी कहाँ तक पढ़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई पढ़ते तो सब हैं, एक ही टॉपिक सब पढ़ के गए, बट कुछ क्वेश्चन को कर पाए और कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए। इंडियन में अगर लाइन को चेंज कर दूं, कुछ लोग क्वेश्चन को सही कर पाए और ज्यादातर लोग क्वेश्चन है तो कर ही नहीं पाए या गलत करके आए, पास तो कम ही होते ना। तो भाई यानी कि हर टॉपिक में कहीं कोई पॉइंट है, इसीलिए इस कोर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर है। ये शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर केवल उतनी बात है जितनी एग्जाम के लिए जरूरी है। टॉपिक में से केवल वही बात हम लोग कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। ये लेक्चर रूटीन लेक्चर की तरह नहीं है जहाँ पे हम लोग हर एंगल को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं चीजों को, ये क्रैश कोर्स है। इन 60 लेक्चर के थ्रू हम लोग अपनी जानकारी को इतना बढ़ाएंगे कि हम अपनी चॉइस पूरी कर सकें, वही चॉइस जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में 100% नंबर बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 5 मॉक एग्जाम भी करेंगे, जिनमें से 4 एग्जाम हम लोग ऑनलाइन करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हम क्या गलती करते हैं, और फिर एक रियल लाइफ सिनेरियो का इस्तेमाल करके हम लोग एक लास्ट मॉक भी देंगे। हम समझेंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, हम समझेंगे कि चॉइस कैसे बनाते हैं, किस क्वेश्चन को करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। मतलब ये कह लीजिए कि इन 2 महीने में हम लोग जहां एक तरफ ज्ञान बढ़ाएंगे तो वहां उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के रास्ते भी सीखेंगे। हम समझेंगे कि पेपर वाले दिन हमारी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ये कोर्स 15 अप्रैल से स्टार्ट है और इसका ड्यूरेशन जून के एग्जाम तक का है, ये जो जून आ रहा है 2 महीने बाद। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981, या मुझे मेल ले सकते हो saplingeducate@gmail.com पर। ये कोर्स बाकी सारे कोर्सेज की तरह ऑनलाइन है, आप अपने घर बैठे कर सकते हो, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। आपको हर रोज इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए अराउंड 3 से 5 घंटे कम से कम चाहिए। अगर आप ज़्यादा घंटे देते हो तो ये आपके लिए बढ़िया ही है। अगर आप हर रोज के 6 घंटे निकाल सकते हो इस एग्जाम को पढ़ने के लिए नेक्स्ट 2 महीने के लिए, वो भी फर्क कर सकता है। फिर इसके अलावा आपको टाइम निकालना होता है एग्जाम देने के लिए और एग्जाम के सॉल्यूशन देखने के लिए। जो मॉक एग्जाम के सॉल्यूशंस हैं वे भी तो वीडियो सॉल्यूशन हैं, अच्छे खासे एलोबरेट, जहां हम लोग ये भी समझते हैं कि इनके आंसर क्या हैं और क्यों हैं और क्या वर्ड वो था जो हमें देखना चाहिए था। ये हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर बैठे अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए और
अधिक जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो समझते हैं कि 2 महीने कम है। भाई जिनमें दम है ना उनके लिए 2 महीने कम नहीं होते, 2 महीने का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन वो निकाल सकते हैं। और वैसे भी जो ट्राई करना छोड़ देते हैं वो तो पहले ही हार गए ना, जो लड़ते हैं उन्हीं के चांस है जीत लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो। चलो फिलहाल तो मजे करो, बाय बाय।